श्री गणेश, कैसे हैं आप सब? होप ऑल इज वेल। आज का प्रिडिक्शन है सूर्य ग्रह का नेक्स्ट ट्रांजिट आद्रा नक्षत्र में जो चलने वाले हैं इसके बारे में। अभी सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में मृगशिरा में चलेंगे। 21 जून की रात को 12:05 तक मिथुन मृगशिरा में है। इसके बाद सूर्य आद्रा नक्षत्र में चलेंगे मिथुन राशि में। तो पर्टिकुलरली आज का ये प्रेडिक्शन जो है ये सूर्य ग्रह का आद्रा नक्षत्र में जो भ्रमण होने वाला है 13 दिन का मिथुन राशि में, इसके बारे में है आज का ये प्रेडिक्शन। तो आद्रा मतलब क्या है कि इसका जो योनि है ये श्वान योनि है। श्वान बोले तो कुत्ता। इसका नाड़ी है ये आद्य है, वायु प्रकोप करने वाला है, और गण इसका मनुष्य है। तो क्या है कि लोगों की जो दौड़ है ये कहीं ना कहीं पैसे के पीछे रहेगी। मनुष्य का सबसे ज़्यादा ये कैरेक्टरिस्टिक है कि धन के पीछे दौड़ रहती है। तो मिथुन राशि के अंदर वायु तत्व की राशि में सूर्य ग्रह हम सबको कैसा फल देने वाले होंगे राशि से और नक्षत्र से जानते हैं आज के इस प्रेडिक्शन में। तो आद्रा जिसकी योनि श्वान है, श्वान बोले तो कुत्ता, संस्कृत शब्द श्वान है। अब इसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लड़ाई करना, छोटी छोटी बात में लड़ाई करना, रिवेंज लेना, बदला लेना कि इसने मेरे को ऐसा बोला तो मैं भी उसको सुना दूँ, इसने मेरे को ऐसा कहा तो मैं भी उसको सुना दूँ। तो ऐसी छिसी बातों के अंदर क्या होता है कि बड़ी लड़ाई हो जाती है। तो ये समय के दरमियान आप देखेंगे 13 दिन का जो पीरियड है, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करना, और तीसरे स्थान के नंबर तीसरी राशि के अंदर है तो खास करके जो नेबरिंग कंट्री है, आप खुद के अपने नेबर्स के साथ भी ये देख सकते हैं इस परिस्थिति को। और बड़े लेवल पे आपको देखना है तो वर्ल्ड वाइड भी आप कंट्रियों के बीच में भी देख सकते हो। और जो युद्ध का माहौल है, लड़ाई है, ये सब कुछ बढ़ने वाला है। तो एवरीवन शुड बी टेक केयर इन रिलेशनशिप विथ नेबर्स, ऑल्सो इन रिलेशनशिप विथ ब्रदर सिस्टर्स, क्योंकि 3 नंबर जो हैं काल पुरुष की कुंडली में ये अपनी भुजाओं के ऊपर हैं, या अपने जो नेबर्स हैं, भाई बहन हैं, इनको दिया गया है। और यहाँ पर सूर्य का आद्रा नक्षत्र में फल ये लड़ाई झगड़ा क्रिएट करने वाला हो सकता है। तो यदि आपका जो नेचर सौम्य है, शांत है तो ठीक है, अन्यथा आपका जो प्रकृति एग्रेसिव वाला है तो डेफिनेटली किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। तो मेष राशि के लिए सूर्य पराक्रम भवन में 3rd हाउस में, तो मेष राशि को सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है अपने भाई बहन और अपने नेबर्स के साथ रिलेशन में। फिर भी नक्षत्र ट्रांजिट देखें तो अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ये साधक नक्षत्र है, भरणी वाले जातकों के लिए ये प्रत्यारी है, यानी कि ऑपोजिशन है। कहाँ से होगा? आपके भाई बहन या आपके नेबर्स के साथ होगा। और कृतिका के लिए ये क्षेम तारा है तो ठीक ठाक फल देने वाला है। वृषभ राशि के लिए सूर्य धन भाव में है, वृषभ कृतिका के लिए क्षेम तारा है, लेकिन वृषभ रोहिणी के लिए ये विपत्त नक्षत्र होगा। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक मामलों को लेकर या फाइनेंशियल मैटर को लेकर स्ट्रेस और तनाव आपका, या तो भाई बहन को या पारिवारिक समस्या को लेकर आपका स्ट्रेस तनाव आपका बढ़ सकता है, क्योंकि धन स्तंभ में है। तो वाणी में यदि आप संयम नहीं रखते हैं तो पारिवारिक समस्या क्रिएट हो सकती है, या फाइनेंस में कुछ आप गड़बड़ कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वृषभ मृगशिरा है, इनके लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा। तो आपके लिए जो सूर्य है आपको फाइनेंस में बेनिफिट करने वाले बनेंगे,
तो यही डिफरेंस है नक्षत्र वेज एस्ट्रोलॉजी का कि राशि एक ही है लेकिन आपका नक्षत्र और गोचर ट्रांजिट का नक्षत्र बदलने के कारण फल बदल जाता है। तो मिथुन राशि के लिए क्या देखें, तो मिथुन के लिए अपनी राशि के अंदर सूर्य है, राजयोग कारक है। मिथुन वृक्षशिरा के लिए संपत्त नक्षत्र है लेकिन मिथुन आद्रा के लिए जन्म तारा है। तो दोनों को ये बेनिफिशियल तो है लेकिन टेम्परनेस जो है आपका ये बहुत हाइपर टेम्पर होने वाला है, क्योंकि सूर्य आप सबको मालूम है कि बहुत उग्र ग्रह है, तेज ग्रह है। इसके इम्पैक्ट में खास करके जो आपके पार्टनर हैं इनके साथ आपका रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। मिथुन पुनर्वसु के लिए जो नक्षत्र है अति मित्र नक्षत्र है लेकिन कैसा है, आपके शत्रु जैसा नक्षत्र है, मित्र है। मतलब के आद्रा की जो योनि श्वान योनि है, श्वान बोले तो कुत्ता, और यदि आपका पुनर्वसु का सूर्य या चंद्र है तो आपका जो ये नक्षत्र है उसकी योनि मांजर योनि है, मांजर बोले तो बिल्ली। तो कहीं ना कहीं जो ये स्ट्रेस और तनाव, थोड़ा सा मानसिक स्ट्रेस तनाव हो सकता है, या तो फिर आपका पार्टनर के साथ कुछ शत्रुता जैसा व्यवहार आपका हो सकता है। कर्क राशि के लिए सूर्य का ट्रांजिट 12वें स्थान में होगा, तो 12th हाउस में सूर्य का फल ठीक नहीं है, और इसके कारण क्या है कि यू शुड बी टेक केयर अबाउट योर आई साइड। कर्क पुनर्वसु के लिए खर्च ज़्यादा रहेगा, पुष्य के लिए भी रहेगा और आश्लेषा के लिए भी रहेगा। खर्च आपका ज़्यादा रहने वाला है और गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में कोई कुछ अभी आता है तो इसमें आपको लॉस आ सकता है। तो बात करेंगे सिंह राशि के लिए, सूर्य लाभ स्थान में है और ये ट्रांजिट जो है आपके गवर्नमेंट से लाभ करने वाली है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा मघा वाले जातकों के लिए, साधक नक्षत्र है तो आपको अपने मित्रों की ओर से कुछ नया सीखने को जानने को मिलेगा। पूर्व फाल्गुनी के लिए मित्रों के साथ ऑपोजिशन है और उत्तर फाल्गुनी के लिए एक सहम तारा है तो ठीक है, सरकार से कुछ बेनिफिट मिल सकता है। कन्या राशि के लिए सूर्य 10वें स्थान में, राजयोग कारक है। कन्या उत्तर फाल्गुनी के लिए एक्सेलेंट फल रहेगा। कन्या हस्त के लिए विपत्त नक्षत्र है, काम होगा लेकिन टेंशन और स्ट्रेस के साथ होगा। अपर लेवल के साथ आपको थोड़ा बनाए रखना होगा रिलेशन, अन्यथा थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, फादर के साथ भी हो सकता है। खान पान में भी आपको केयर करना होगा, वायु प्रकोप वाला हो सके तो खाना एवॉइड करें कि जिससे आपको पेट में गैस्ट्रिक ट्रबल बढ़े। कन्या चित्रा के लिए एक्सीलेंट फल रहेगा, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति में वृद्धि होने वाला है। तुला चित्रा के लिए भी एक्सीलेंट फल है, भाग्य में वृद्धि है। तुला स्वाति के लिए जन्म तारा है, भाग्य में सूर्य भाग्य चमकाने वाले हैं। तुला विशाखा के लिए अति मित्र नक्षत्र है तो आपका भी भाग्य चमकने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए बात करें तो सूर्य अष्टम स्थान में है, जो पारिवारिक समस्या को कंटिन्यू करने वाले हैं। फाइनेंस रिगार्डिंग थोड़ा सा स्ट्रेस तनाव आपका बढ़ सकता है। और वृश्चिक विशाखा के लिए फिर भी अति मित्र है लेकिन वृश्चिक अनुराधा और ज्येष्ठा के लिए इसका फल बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर योनि दोष बनता है। अनुराधा के लिए मित्र नक्षत्र है लेकिन ज्येष्ठा के लिए तो ये वध नक्षत्र है, तो सबसे ज़्यादा जो इसका अशुभ फल मिलेगा, हु आर बॉर्न इन ज्येष्ठा सूर्य या ज्येष्ठा चंद्र, या तो फिर ज्येष्ठा का लग्न है जिनका, ऐसे जातकों को पारिवारिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि वाले जातकों को अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में केयर करना है। मूला के लिए ये साधक नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा के लिए प्रत्यरी है, भारी ओपोजिशन पार्टनर के साथ, और उत्तराषाढ़ा के लिए एक सहम तारा है लेकिन 7वें स्थान में सूर्य का फल बिल्कुल ठीक नहीं है रिगार्डिंग रिलेशनशिप विद पार्टनर। मकर राशि के लिए सूर्य 6th हाउस में चलने वाले हैं और इसका जो ट्रांजिट है उत्तराषाढ़ा के लिए एक सहम तारा है, ठीक है, लेकिन श्रवणा के लिए इसका फल ठीक नहीं होगा। साथ में काम करने वाले कोई है जातक, ये आपके साथ चाड़ी चुटली या टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। मगर धनिष्ठा के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा, आपको सह कर्मचारियों के साथ आपको बेनिफिट भी मिल सकता है।
कुम धनिष्ठा के लिए भी इसका फल एक्सीलेंट होगा। पांचम स्थान में संपत्त नक्षत्र में सूर्य कहीं ना कहीं आकस्मिक कुछ लाभ करने की संभावना क्रिएट करते हैं। फिर भी यू शुड नॉट प्रोसीड फॉर एनी टाइप ऑफ सैश एट्टा लॉटरी एंड गैम्बलिंग। कुम सदिशा के लिए जन्मा नक्षत्र है, कुम पूर्व भाद्रपद के लिए अतिमित्र नक्षत्र है, लेकिन कुंभ राशि का ये आद्रा नक्षत्र जो है घात नक्षत्र में आता है, तो आप सबको अपने संतान रिलेटेड कार्यों के अंदर पढ़ाई में विशेष ध्यान देना होगा, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में भी केयर करना होगा। और मीन राशि के लिए सूर्य चौथे स्थान में, पूर्व भाद्रपद के लिए अतिमित्र नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपद के लिए मित्र है, लेकिन रेवती वाले जातकों के लिए ये वध नक्षत्र में है, तो सबसे ज़्यादा अशुभ फल मिलेगा। मीन रेवती शुक्र स्थान के अंदर वध नक्षत्र में सूर्य माता के लिए कुछ खर्च आ सकता है, या मकान में कुछ खर्च आ सकता है, या वाहन में कुछ खर्च आ सकता है, इस प्रकार का कुछ आप महसूस करेंगे। सूर्य के आद्रा नक्षत्र की शांति के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल प्रयोग है फ्रेंड्स, फीडिंग टू डॉग्स, कुत्ते को आपको दूध रोटी या दही रोटी खिलाना है। और इसके साथ साथ आप मंत्र कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और दिन में 3 बार सूर्य भगवान का दर्शन करें, मॉर्निंग में, दोपहर में 12 से 1 में, और बिफोर सनसेट। नक्षत्र बेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं। मिलते हैं जल्दी एक और नए नक्षत्र बेस प्रेडिक्शन में। नमस्कार।